डॉक्यूमेंट्री बैन को लेकर कांग्रेस ने भी अब बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री पर बैन हटा देना चाहिए, देश का युवा देखना चाहता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर सरकार ने सच को बाहर आने से रोकने के लिए डॉक्यूमेंट्री बैन की है, तो कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पत्रकार भी है जो कि निष्पक्ष होकर चलते हैं, तो गोदी मीडिया के नाम से जो कुछ हो रहा है देश के अंदर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जैसे आदमी को अगर गोदी मीडिया वास्तव में गोदी मीडिया बन जाए तो मैं समझता हूँ कि चौथे स्तंभ के लिए भी अच्छी बात नहीं, शुभ संकेत नहीं है। उन सबसे निकलना चाहिए, निकल करके फिर निष्पक्षता की तरफ आना चाहिए। पत्रकार भी है जो कि निष्पक्ष होकर चलते हैं, तो गोदी मीडिया के नाम से जो कुछ हो रहा है देश के अंदर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जैसे आदमी को अगर गोदी मीडिया वास्तव में गोदी मीडिया बन जाए तो मैं समझता हूँ कि चौथे स्तंभ के लिए भी अच्छी बात नहीं, शुभ संकेत नहीं है। उन सबसे निकलना चाहिए, निकल करके फिर निष्पक्षता की तरफ आना चाहिए।